Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, वेलकम टू testbook.com। तो देखिए, NTPC का एग्ज़ाम जो है वो अभी तो हमारे पास डेट रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन जैसे डेट रिलीज़ होगी हमारे पास बहुत कम टाइम रहेगा, लेकिन हमें NTPC तैयार करना है। कैसे तैयार करना है, इसके लिए टेस्टबुक ने लॉन्च किया है क्या NTPC का कंप्लीट कोर्स। ठीक है, उसमें मैंने जब और बच्चों से पूछा, आप लोगों से जब मैंने आपके रिएक्शंस पूछी, सबसे आपको कठिन सब्जेक्ट कौन सा लगता है, तो आप लोगों ने बोला सर GA जो है वो हमारी वीक है। ठीक है, GA में अगर थोड़ा सा अगर हम लोग मेहनत कर लें तो हम ज़रूर वहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने क्या किया, एक GA का एक कंप्लीट पैकेज बनाया, जिसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इनरोल करके GA पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आपको विनीत सर यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने वाले मैथ के, क्योंकि जो हमारे आने वाली जो NTPC का एग्ज़ाम है वहाँ पर मैथ का जो आने वाला जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल आने वाला है। ठीक है, यकीन मानिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल आने वाला है, और हमारे कॉन्सेप्ट गुरु विनीत सर आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। और सेम यही रीजनिंग में आपको मिसिंग नंबर कैसे निकालना है, अभिनव सर आपको चुटकियों बताएंगे। तो GA में सबसे कठिन जो सब्जेक्ट लगता है, मैं जब आप लोगों से पूछा तो आप लोगों ने बताया सर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती है, तो मैंने उसी कोर्स का एक छोटा सा पार्ट इकोनॉमिक्स जो है वो हर शाम को 7:30 बजे उसी कोर्स का छोटा सा पार्ट है रिलीज किया है, आप उसको देख सकते हो। और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वाकई में हमारा जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, तो आप इस कोर्स को इनरोल करिए, क्योंकि ये हमारा टेस्ट बुक का सबसे बेस्ट कोर्स है NTPC की तैयारी के लिए। आप NTPC की तैयारी कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर कोर्स का नाम दिखाई दे रहा होगा, NTPC कंप्लीट कोर्स, और इसी का एक छोटा सा पार्ट मैंने क्या लॉन्च किया है NTPC के लिए आपका इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में आप क्या करने वाले हो, आप जब उसको समझोगे, अगर आपको लगेगा कि ये मेरे समझ में आ रहा है, तो आप इस कोर्स को जरूर परचेज करिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको GA चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, या आपका इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल मैथ के लिए आपके पास कौन है, तो वो है विनीत सिंह। ठीक है, विनीत सर जो है वो आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, और अभिनव सर आपको मिसिंग नंबर से लेकर के पेपर फोल्डिंग तक वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस कोर्स में बताने वाले हैं। तो जरूर इनरोल करिए, और साथ ही साथ आपको मिलने वाला है क्या, PDF क्विजेज और होमवर्क के लिए पूरा का पूरा टेस्ट। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है इस NTPC कंप्लीट कोर्स में, तो आज ही टेस्ट बुक पर इनरोल करिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू testbook.com। तो हम लोग फिर से जुड़ते हैं, क्योंकि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है इकोनॉमिक्स का। आई होप पिछली क्लास आपको समझ में आई होगी, जिसमें हम लोगों ने जो है इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जानी थी, जो बेसिक चीज़ें थी, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर पिन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, तो यहाँ पर हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स कैसी होती है, क्या एक्चुअल में इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन क्या है, हमारे जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। लेकिन आज हम लोग जो माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें हमने बोला था कि उसके जो एक एक टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नेशनल इनकम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होती है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा कंट्री है। ठीक है, सपोज करिए ये हमारा कंट्री है, और यहाँ पर जितने भी कंट्री मेंस हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर मार्कर प्रोड्यूस करते हैं, ये मार्कर जो है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये मार्कर जो है 1000 मार्कर प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मनी वैल्यू है 10 रुपीज़। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होती है, तो नेशनल इनकम क्या होती है कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री के द्वारा जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस की जाती हैं, उसकी जो टोटल मनी वैल्यू होती है, दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। ठीक है, हमने इंडिया की बात की, तो मैंने यहां पर क्या बताया कि एक कंट्री के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उसकी जो टोटल मनी वैल्यू होती है, दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। ठीक है, लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोला था जेम्स कैनिज ने। क्या इसने बोला था, जेम्स कैनिज ने ये बात बोली थी कि एक कंट्री के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, उनकी जो मनी वैल्यू है, दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। आप लोग नोट डाउन कर लेना इसको, क्या मैंने बोला, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि एक कंट्री के द्वारा
एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही हैं, जितने भी मार्कर प्रोड्यूस की जा रहे हैं, उनकी जो टोटल मनी वैल्यू है दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। ठीक है, तो अब अगर हम लोग आगे चलते हैं, आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा, तो अब लोग आगे चलते हैं। तो ये जेम्स केनिस ने ऐसा बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद से एक टर्म आता है नेशनल इनकम में, जिसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। तो आइए इस जीडीपी को समझते हैं, ये जीडीपी क्या होता है। ठीक है, आज के बाद तब से जीडीपी को सब लोग जानते होंगे, लेकिन आज के बाद मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उसके बाद से जीडीपी आपको कभी भी परेशान करने वाला नहीं है। सबसे पहले इसका क्या होता है फुल फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है आपका जीडीपी का फुल फॉर्म। कॉन्सेप्ट को समझिए क्या होता है। तो ये हमारा वापस से कंट्री है। ठीक है, ये वापस से कंट्री। अब यहां पर दो कंपनीज काम कर रही हैं, कौन सी? एक काम कर रही है टाटा, जो कि सिर्फ ऑटोमोबाइल बनाती है। सपोज कर लीजिए कि टाटा की कंपनी यहाँ पर सिर्फ ऑटोमोबाइल बनाती है। और टाटा कहाँ की कंपनी है? तो जमशेद टाटा ने इसको बनाया था, तो ये हमारे इंडिया की कंपनी हुई। और दूसरी है हुंडई। ठीक है, हुंडई ये कहाँ की है? तो कोरिया की। एक इंडियन कंपनी टाटा, ठीक है, ये है टाटा, और ये कौन सी है? तो ये है हुंडई। इन लोगों ने 500 यूनिट अपनी कार की बनाई। ठीक है, 500 यूनिट टाटा ने बनाई और 500 यूनिट जो है वो हुंडई ने प्रोड्यूस की। ठीक है, अब उसके बाद से टोटल कितनी होंगी? तो बोलोगे 1000। इसमें से ये 100 यूनिट जो है वो हमारी टाटा ने क्या कर दी? एक्सपोर्ट कर दी। टाटा ने ये 100 यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट कर दी यूरोपियन कंट्री ने। और सिमिलरली ये जो 100 यूनिट थी वो हमारी किसने, वो बोल सकते हैं हुंडई ने एक्सपोर्ट कर दी बाहर किसी कंट्री में। ठीक है, तो यह मतलब 400 जो है वो इन्होंने इंडिया में सेल कर दी, और इन्होंने 400 यूनिट जो है वो इंडिया में सेल कर दी। अब एक कार की कीमत आपको मैं सपोज करने के लिए, ताकि आपको इजी कैलकुलेशन रहे, एक जो हमारी दोनों को कार की कीमत थी वो थी 10 रुपीज। ईच कार की जो कीमत क्या थी वो 10 रुपीज थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आप अपने आप जीडीपी की डिफिनीशन बना लोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो यहाँ पर एक टाटा कंपनी है और एक हुंडई कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है और एक फॉरेनर कंपनी है। दोनों ने 5500 कार्स की यूनिट बनाई, और उनमें से 100 यूनिट जो है उन्होंने निर्यात कर दी, एक्सपोर्ट कर दिया फॉरेन कंट्रीज में, और 400 जो यूनिट थी वो इंडिया में सेल कर दी, और एक कार की कीमत है 10 रुपए। यहां तक सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको जीडीपी की डिफिनीशन बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो जीडीपी क्या है? तो जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ अ कंपनी, मनी वैल्यू ऑफ अ कंपनी या मनी वैल्यू ऑफ अ कंट्री वेयर इट प्रोड्यूस इन अ टेरिस्ट, बोल सकते हैं कि बाउंड्री ऑफ दैट कंट्री एंड ऑल्सो सेल देयर। ठीक है, जो हमारे जीडीपी है वो किसी भी कंट्री के अंदर बनाई गई और उसी कंट्री के अंदर सेल की गई चीजों की टोटल मनी वैल्यू होती है। फिर से एक बार सुनिएगा, किसी कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर बनाई गई चीजें और वहीं पर सेल की गई चीजें, वहां पर बनाई गई हो और जितनी चीजें वहां पर सेल की जा रही हैं, उसकी जो टोटल मनी वैल्यू है उसको हम लोग बोलेंगे जीडीपी। तो यहां पर बनाई गई थी तो 500, लेकिन सेल कितनी गई इस कंट्री में? तो आप बोलोगे सेल की गई 400 + 400 = 800। बात क्लियर हो रही ना? इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, दोनों ने 500 तो बनाया, टोटल 1000 बनाया, लेकिन उन्होंने 100 चीजें बाहर एक्सपोर्ट कर दी, बाहर भेज दी, तो उनकी मनी वैल्यू हम काउंट नहीं करेंगे। तो एक जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, एक कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई और उसी कंट्री में अगर सेल की जाती हैं, तो दैट मनी वैल्यू इज नोन एज क्या? तो उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। इस कंडीशन में हमारी जीडीपी कितनी होगी? तो इस कंडीशन में हमारी जीडीपी होगी, क्लियर है जीडीपी सबको? ठीक है, मनी वैल्यू ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ए कंट्री विच इज प्रोड्यूस इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ दैट कंट्री एंड ऑल्सो, ये भी आपको वर्ड यूज करना, एंड ऑल्सो सेल इन दैट जियोग्राफिकल बाउंड्री। ठीक है, क्लियर हो गया आपको पॉइंट जीडीपी? अगर आपसे पूछेगा तो आप नोट कर लेना जो मैंने डिफिनीशन बताया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से जो नोट करने वाले हैं वो नोट करेंगे। द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज of a country which is produced in a geographical boundary and also sell in that geographical boundary of a country in a financial year is known as GDP।
ये थे इंग्लिश में, अब मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। एक देश के अंदर बनाई गई वस्तुएं और सेवाएं, और वहीं पर जब उसको सेल किया जाता है तो जो उनके पास मुद्रा की वैल्यू आती है या मुद्रा की बोल सकते हैं मान आता है, उसको हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब मैं आपको जीडीपी से मिलता जुलता एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं जीएनपी, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर डोमेस्टिक की जगह पर नेशनल आ जाता है। तो जीडीपी सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक उस एग्जांपल से। तो जीएनपी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर मैं वापस से ये कंट्री बनाऊंगा, वापस से वही एग्जांपल लूंगा। एक इंडियन कंपनी है जिसको हमने क्या बोला टाटा, ये इंडियन कंपनी थी, और ये थी फॉरेनर कंपनी जिसको हमने बोला हुंडई, ये फॉरेनर कंपनी है। दोनों ने क्या किया, 500 यूनिट कार बनाई, और 500 यूनिट कार यहाँ पर इसने भी बनाई। दोनों ने क्या किया, इन कारों को बाहर 100-100 यूनिट सेल कर दिया। 100 यूनिट इन्होंने अपने यूरोपियन कंट्री में, और ये 100 यूनिट अमेरिकन कंपनी में सेल किया। 400 यूनिट जो है वो इंडिया में इन्होंने बेचा, 400 यूनिट यहाँ पर इन्होंने बेचा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं जीडीपी बोलूंगा तो आप लोग बोलेंगे इंडिया में बनाई गई, और उनको जिनको इंडिया में सेल किया गया उस फाइनेंशियल ईयर में उसकी मनी वैल्यू जीडीपी थी। लेकिन जीएनपी क्या है, तो जीएनपी है जो ये जो फॉरेन से इनकम आ रही थी जिसका हमने कोई भी काउंट नहीं किया था, उसको इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलती है, ये जो फॉरेन कंपनी की इनकम है, जो फॉरेन से इनकम आ रही है आप वो ऐड करो, लेकिन किसकी, सिर्फ इंडियन कंपनी की। लेकिन ये फॉरेन कंपनी की इनकम को आपको माइनस भी करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को समझो, डेफिनेशन के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मतलब एक इंडियन कंपनी के द्वारा एक साल में प्रोड्यूस किया गया क्या मनी वैल्यू, ठीक है, एक इंडियन कंपनी के द्वारा एक साल में प्रोड्यूस किया गया मनी वैल्यू है, चाहे इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो, दैट इज नोन एज जीएनपी। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, एक यूरोपियन कंट्री में इसने 100 यूनिट बेचा, और यहीं पर एक लक्ष्मी मित्तल की कंपनी थी जो कैसे हैं, जो कि इंडियन है, लेकिन इनकी कंपनी कहाँ है, इनकी कंपनी है यूरोप में, लंदन में इनकी कंपनी है। तो इनका जो प्रोडक्शन हो रहा है भले वो यूरोप में हो रहा है और वो सेल कहीं पर भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू काउंट होगी वो कहाँ पर काउंट होगी, मतलब हमारे इंडिया में काउंट होगी। लेकिन हमारे इंडिया में जितनी भी फॉरेन कंपनी, वो हुंडई हो, वो आपकी बोल सकते हैं मोटोरोला हो, वो आपकी नोकिया हो, उन सब की मनी वैल्यू हमारे कंट्री में काउंट नहीं होगी। मतलब हमारे देश में सिर्फ किसकी वैल्यू काउंट होगी, सिर्फ इंडियन कंपनीज की। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये लक्ष्मी मित्तल वाला भी मैं कॉन्सेप्ट हटा रहा हूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि इस कंडीशन में हमारी जीएनपी कितनी होगी, तो आप बोलोगे जो इंडियन कंपनी इंडिया में हमारा काम कर रही है, मतलब 400 यूनिट, और उसने क्या किया बाहर से 100 यूनिट बेची, तो इन दोनों का मतलब टोटल प्रोडक्शन 500 यूनिट, और यहाँ पर 10 रुपए उसकी मनी वैल्यू थी। ठीक है, कार की, एक कार की मनी वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, तो कितना हो जाएगा, 5000 रुपए जो है वो हमारी जीएनपी हो जाएगी। यहाँ पर आप इसको काउंट नहीं कर दोगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जीएनपी क्या होती है। तो एक इंडियन कंट्री, एक इंडियन कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस की गई गुड्स एंड सर्विसेज, वो चाहे फॉरेन की में हो या इंडिया में हो, उसकी जो टोटल मनी वैल्यू होती है दैट इज नोन एज जीएनपी। यहाँ पर हम इंडिया में जो फॉरेन कंपनी है उनकी इनकम को रिड्यूस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार डिफिनीशन जो लिखना चाहते हैं वो डिफिनीशन लिख लेंगे। द मनी वैल्यू ऑफ अ कंपनी और मनी वैल्यू ऑफ अ इंडियन कंपनी इन अ फाइनेंशियल ईयर प्रोड्यूस इन इंडिया या आउटसाइड ऑफ इंडिया इज नोन एज जीएनपी। ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत में भारतीय कंपनी या भारत के बाहर भारतीय कंपनी की जो टोटल मनी वैल्यू होती है उसको हम लोग जीएनपी बोलते हैं। हम इसमें जो फॉरेन की कंपनी भारत में होती है उसकी मनी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो आई थिंक ये दो एग्जांपल से आपको जीएनपी और जीडीपी समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मुझे आप लोग टेलीग्राम पर पिन करके बता देना, मैं आपको और अच्छे से वहां पर बता दूंगा। लेकिन आई थिंक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जो आप इस एग्जांपल से नहीं समझे होगे। ठीक है, जीडीपी में हमने क्या किया, इन दोनों को काउंट किया था, लेकिन हम सेल कहां पर कर रहे थे, हम इनकी जो प्रोडक्ट थे उसको सेल कर रहे थे इंडिया में। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, हमने
उनका सेल जो है इंडिया में भी लिया और फॉरेन में भी लिया, लेकिन किसका लिया? सिर्फ इंडियन कंपनी का, हमने सिर्फ टाटा का लिया। क्या हुंडई का लिया? हमने हुंडई का नहीं लिया। तो आई थिंक यहाँ पर आप लोगों को इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं कहाँ पर, तो जीडीपी और जीएनपी के बाद हमारा क्या आता है, तो जीडीपी और जीएनपी के बाद यहाँ पर सिंपल सा आता है एनडीपी और एनएनपी। अब मैं आपको ये ऐसे समझाऊंगा कि आपके एग्जाम में ये गलत नहीं होगा, ठीक है, और कहीं पर भी आपको इस तरीके से नेशनल इनकम नहीं पढ़ने को मिलेगी, आप किसी भी चैनल पर चले जाओगे। तो देखिए ग्रॉस, ग्रॉस एक वर्ड होता है, जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको बताते हैं ग्रॉस सैलरी आपकी इतनी है, ठीक है, आपको इतना का पैकेज ग्रॉस दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद से उसमें क्या होता है, उसमें आपको कुछ डेप्रिसिएशन करना पड़ता है, मतलब कुछ चीज़ें आपके पीएफ में कट जाती हैं, कुछ आपके प्रोफेशनल टैक्स में कट जाएंगी, कुछ मेडिकल में काट लेंगे, कुछ अदर चार्जेस काटने के बाद जब वो डेप्रिसिएट हो जाता है तो ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन होता है, घिसाव होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं नेट, उसको क्या बोल देते हैं नेट, जो हमारे हाथ में एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो है नेट, जो आपको अलॉट की गई थी वो है ग्रॉस, लेकिन उसमें से कुछ डेप्रिसिएशन, कुछ घिसाव हो रहा है, कुछ चीज़ों को हटाया जा रहा है, तो उसको हमने बोला क्या, जब ग्रॉस में से कोई चीज़ माइनस होती है तो किसमें बदल जाती है, नेट में, ठीक है। अब देखिए मैं आपको लेके जाता हूँ जीडीपी, मैंने बोला क्या कि इंडियन जियोग्राफिकल में बनाई गई चीज़ें और इंडिया में सेल की गई चीज़ों की जो मनी वैल्यू है दैट इज़ नोन एज जीडीपी। लेकिन क्या ये बात सत्य है, मैंने ये जो कार बनाई थी, जो मेरी कार थी टाटा नैनो, इसको बनाने में मैंने कितना खर्चा किया, मैंने इसमें लैंड खरीदी थी, ठीक है, जा करके मेहसाणा गुजरात में, उसके बाद से मैंने लेबर लगाए थे, उसके बाद से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था, इन सारी चीज़ों को लगाया और इसको लगाने में मेरा 8 रुपये का खर्चा आ गया, 8 रुपये का खर्चा आया, और मैं इसको 10 रुपये में बेच दे रहा हूँ, ठीक है, 10 रुपये में बेच दे रहा हूँ, तो क्या ये मेरी एक्चुअल मनी या मेरा प्रॉफिट है, क्या मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है 10 रुपये में जब मैं इसको बेच रहा हूँ? लेकिन जीडीपी में तो हमने यही काउंट किया ना, जितने मनी वैल्यू में हमने बेच दी वही हमारा टोटल बोल सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट था। लेकिन आप बोलोगे क्या, यहाँ पर सर आप इसको डेप्रिसिएशन जो हो रहा है, जो आपने इसमें खर्चा किया उसको माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो जब हम इन सारी चीज़ों को जो इनको बनाने में हमने खर्च किया जब उसको माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस किस में बदल जाता है, तो ग्रॉस बदल जाता है नेट में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उसको बनाने में जो हमने खर्चा किया जब उसको माइनस कर देते हैं, उसको डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो वो क्या बदलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर हो गया ना? अब मैं इसको डिफिनीशन बताता हूं। सबसे पहले तो सिर्फ ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फार्मूला एनडीपी का सही है, लोग बाग याद कराते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप लिख लो और उसमें से क्या कर दो, ग्रॉस में से जब आपका कोई भी चीज़ माइनस होगा, डेप्रिसिएशन जाएगा, तो आप वो नेट में बदल जाएगा। यहाँ पे आपको नेशनल दिखाई देगा, यहाँ पे आपको एन की जगह पे वो कई सारी चीज़ें लिख देंगे, लेकिन आपको सिंपल क्या है, ये दोनों चीज़ें सेम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ ग्रॉस की जगह पर क्या जा रहा है, नेट आ जा रहा है। तो अब मैं इसकी डिफिनीशन आपको एनडीपी को बना की अगर बताऊं तो किसी कंट्री के अंदर बनाई गई गुड्स एंड सर्विसेज और उसी कंट्री में बेची गई गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू में से जब उसको बनाने में जो खर्च हुआ उसको माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू बचती है दैट इज नोन एनडीपी। क्या ये कहीं से कठिन लग रहा है? कॉन्सेप्ट अगर समझ गया तो कहीं से भी कठिन लगने वाला नहीं है। तो मुझे सजेशन में जरूर बताना कि आपको ये कॉन्सेप्ट चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, ठीक है। अब उसके बाद से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर ग्रॉस मैं फिर से लिखूंगा, ठीक है, तो हमने आपको क्या पढ़ाया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बाद इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ाया था जिसको हमने बोला था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें से मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन उसको बनाने में, उसको इंडिया में लाने में या उसको इंडिया से बाहर भेजने में जो हमने पैसा खर्च किया उसको हमने बोला क्या, डेप्रिसिएशन। और उससे क्या हो गया, जब माइनस होगा तो ग्रॉस से जब कोई चीज़ जाती है तो हमारे पास बचता है नेट नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपी। तो बहुत ध्यान से सुनना इसकी डिफिनीशन भी क्या होगी, तो इंडियन कंपनीज की इंडिया में बनाई गई गुड्स एंड सर्विसेज और इंडिया के बाहर बनाई गई इंडियन कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू में से उसको प्रोड्यूस करने में जो हमने खर्चा किया जब उसको माइनस कर देते हैं जिसको डिप्रिसिएशन हमने बोला तो ग्रॉस बदल जाता है किसमें, नेट में। क्या ये कहीं से आपको कठिन लग रहा है क्या? कहीं से भी इसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी हो रही है क्या?
वो आई थिंक नहीं हो रही है, तो सभी लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा वीडियोस को देखने के बाद, क्योंकि अब हम लोग काउंट करने वाले नेशनल इनकम। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, तो देखिए हम लोगों ने इतनी देर में कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो हम लोगों ने GDP पढ़ ली, हम लोगों ने GNP पढ़ ली, ठीक है, हम लोगों ने NDP पढ़ लिया, हम लोगों ने NNP पढ़ लिया। ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको पढ़ाने के लिए लोग पूरे के पूरे 3 घंटे ले लेते हैं, मैंने 15 मिनट में पूरा का पूरा जो है वो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, अब हम लोग नेशनल इनकम इसकी मदद से कैसे काउंट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग नेशनल इनकम काउंट करना देखते हैं। हम लोगों ने GDP, GNP, NDP, NNP समझ लिया था, तो यहाँ पर नेशनल इनकम कैसे काउंट करते हैं। तो देखिए NNP मतलब एट फैक्टर कॉस्ट, FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। NNP एट मार्केट प्राइस मतलब इंडियन कंपनीज के द्वारा बनाई गई इंडिया में चीज़ें उसकी टोटल मनी वैल्यू प्लस फॉरेन में इंडियन कंपनीज की टोटल मनी वैल्यू में से उसको प्रोड्यूस करने में जो हमने पैसा खर्च किया उसको जब माइनस कर देते हैं तो बन गया NNP एट मार्केट प्राइस। इनमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस कर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, तो सबसे पहला आप लोग जानते हो GST और आपका क्या कस्टम ड्यूटी, सिर्फ यही हमारे पास दो अब इनडायरेक्ट टैक्सेस बचे हैं, इनको माइनस कर देना क्योंकि गवर्नमेंट इनसे पहले ही अपना प्रॉफिट ले चुकी है, तो इसको हम लोग गवर्नमेंट माइनस कर देती है। लेकिन कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं देती, उल्टा सब्सिडी देती है, जैसे कि आपकी गैस के सिलेंडर, उसकी जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो आती है लगभग 900 रुपये, उसमें से गवर्नमेंट हमको क्या कर देती है, कुछ चीज़ें अपनी तरफ से पे कर देती है, तो वहाँ पर उन सब्सिडी को वो ऐड कर देती है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है कि हमारे देश में जो कंपनीज फॉरेन कंपनीज और इंडियन कंपनीज और इंडिया की फॉरेन कंपनी से जो पैसा आ रहा है उसको हमने किसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें जो मनी वैल्यू जो थी उसमें कुछ टैक्सेस भी इंक्लूड थे, उस टैक्स को हमने माइनस कर दिया। और अगर अब कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सब्सिडी ऐड की थी उन सब्सिडी को ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाती है, नेशनल इनकम। तो इस तरीके से नेशनल इनकम जो है वो काउंट की जाती है। अभी हमारे देश में नेशनल इनकम को काउंट करता है, तो देखिए अप्रैल 2019 से पहले 2019 से पहले ये काम करता था CSO सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अभी ये काम कर रहा है आपका NSO नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन NSO कर रहा है। ये कैसे बना, तो ये CSO और NSSO को मर्ज करके बना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मर्ज करके बना हमारा क्या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या कहीं कहीं पे ऑफिस भी लिखा रहता है। तो ये हमारी टोटल नेशनल इनकम को काउंट करता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये अप्रैल 2019 में बना, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें हमारे नेशनल इनकम का जो बोल सकते हैं पास्ट है वो कैसा रहा, पास्ट की हिस्ट्री कैसी रही, तो मैं आपको यहाँ पर 3-4 पॉइंट बताऊँगा, अगर आपने याद कर लिया तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे देश में नेशनल इनकम को काउंट किसने किया था, तो उनका नाम था द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिनको हम लोग बोलते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी इन्होंने एक पारसी थे जिन्होंने नेशनल इनकम को सबसे पहले काउंट करने की कोशिश फर्स्ट अटेम्प्ट किया, और इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक भी इन्होंने लिखी जो कि हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं। और इन्होंने जो नेशनल इनकम काउंट की थी वो ड्रेन मेथड, ड्रेन का मतलब जानते हो, वॉशिंग मशीन अगर आपने कभी इस्तेमाल किया होगा उसमें ड्रेन सिस्टम होता है, ड्रेन का मतलब होता है कि आपने ड्रेन पे जैसे ही किया तो सारा पानी बाहर निकलने लगता है, मतलब पैसा कैसे खर्च हो रहा है उसको काउंट करके इन्होंने नेशनल इनकम को काउंट करने का कोशिश किया था। तो ये ड्रेन मेथड का इस्तेमाल इन्होंने किया। अब उसके बाद से दूसरा साइंटिफिक मेथड, जो मतलब GDP और GNP वाला जो साइंटिफिक मेथड था उसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, तो साइंटिफिक मेथड का सबसे पहले इस्तेमाल किया था डॉक्टर वी के राव ने सबसे पहले साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया था 1921 में, ठीक है, 1921 में, ठीक है, थोड़ा सा फ्रेम के बाहर गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्टर VKR राव और यहाँ पे 1921। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तीसरे पॉइंट की साइंटिफिक मेथड के बाद, ऑफिशियली नेशनल इनकम जो है मतलब CSO के बनने के बाद जो ऑफिशियली नेशनल इनकम किसने काउंट की थी, तो ऑफिशियली नेशनल इनकम काउंट की थी PC महानोबिस ने,
पीसी महान बोनिस जो है उन्होंने ऑफिसली नेशनल इनकम काउंट किया। सिर्फ ये तीन पॉइंट याद कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दादा भाई नौरोजी वाला है कि कौन सी बुक लिखी थी, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन मेथड का इस्तेमाल किया था सबसे पहली बार, और उसके बाद से साइंटिफिक मेथड वी के आर राव ने किया था 1921 में, और ऑफिसली नेशनल इनकम जो है वो पी सी महान बोनिस ने की थी। ठीक है, तो यहाँ तक नेशनल इनकम हमने देखा कि कैसे काउंट किया था। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ नेशनल इनकम कितने तरीके से काउंट की जाती है। ठीक है, तो या मेथड ऑफ काउंटिंग नेशनल इनकम हम लोग एक बार देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से समझ में आ जाएंगी। तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो हम लोग मेथड ऑफ काउंटिंग नेशनल इनकम देखने जा रहे हैं। तो कितने तरीके से नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, देखिए यहाँ पर तीन मेथड होते हैं, इसे प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड भी इसको बोलते हैं, उत्पाद जो अभी हम लोगों ने पढ़ा मेथड जिसमें हम लोग इंडियन कंपनीज का प्रोडक्शन जो देख रहे थे वो सारा का सारा यही था। इनकम मेथड मतलब आय, और व्यय एक्सपेंडिचर मतलब व्यय। इसके अलावा कोई भी आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप उस पर टिक कर देना, क्योंकि वो आपका नेशनल इनकम काउंट करने का मेथड नहीं है। तो प्रोडक्शन मेथड मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, तो इनकम मेथड फटाफट से देखते हैं कि इनकम मेथड क्या होता है। तो जल्दी इनकम मेथड की तरफ हम लोग चलते हैं कि हमारा जो इनकम मेथड है वो क्या है। तो ये मैं आपको बनाने वाला हूँ इनकम मेथड। ठीक है, तो इनकम मेथड या आय विधि, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अगर हम अपने देश में जितने भी लोग रहते हैं अगर हम उनकी नेशनल इनकम को काउंट कर लें, ठीक है, अगर हम उनकी इनकम को काउंट कर लें तो वो क्या बन जाएगी, नेशनल के सभी लोगों की इनकम इज अ नेशनल इनकम। अब ये इनकम कितने तरीके की होती है, तो ये इनकम होती है आपकी, देखिए कितने तरीके की। तो सबसे पहले एक सैलरी पर्सन को, सैलरी मतलब वेतन पर्सन को क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, नहीं तो कुछ लोगों को वेजेस मिलते हैं। वेजेस मतलब जो दैनिक रोज मिलता है, जैसे कि जो मजदूर होते हैं उनको रोज दे दिया जाता है, तो सैलरी या वेजेस। उसके बाद से एक बिजनेस पर्सन है, उसको क्या होता है, तो उसको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट अगर हमने काउंट कर लिया ये भी उसकी इनकम है। उसके बाद से हमने क्या किया, हमने हमारे पास कुछ फ्लैट थे या हमारे पास कुछ घर थे, हमने उनको रेंट पे दे दिया, तो रेंट को भी नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग देखें रेंट के बाद हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट आता है, कुछ लोग एफडी खरीदते हैं, कुछ लोग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट करते हैं, वो इंटरेस्ट को भी इसमें काउंट किया गया। ठीक है, अब उसके बाद से एक कॉलम आता है इंटरेस्ट मतलब सभी लोग जानते हैं ना, उसके बाद से हमारा क्या आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है, तो हमारे देश में कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जहां पर वो सैलरी भी लेते हैं और वो अपनी कंसल्टिंग फी भी लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन, तो जैसे कि डॉक्टर, सीए, लॉयर, ये सभी के सभी जो हैं वो क्या करते हैं, एल लिख देता हूँ, ये सभी के सभी सैलरी भी लेते हैं और अपनी प्रॉफिट भी लेते हैं, तो इनको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिक्स्ड इनकम क्या होती है या कौन कौन लोग आते हैं, डॉक्टर, सीए, लॉयर और चौथा देगा तो आप उस पर टिक कर देना। ठीक है, तो ये मिक्स्ड इनकम पे आ गए। अब उसके बाद से क्या आता है, तो उसके बाद से एनआरआई, हमारे ऐसे भारतीय होते हैं जो बाहर भी तो काम कर रहे हैं लेकिन है कैसे वो इंडियन, उनके पास सिटीजनशिप इंडिया की है, भले उनके पास वीजा उस वक्त कहाँ का हो, बाहर का, तो एनआरआई की इनकम भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग और भी एक चीज काउंट करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक की कंपनी है ना, तो इनका जो प्रॉफिट हो रहा है जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है उसको भी हम लोग काउंट कर देते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज। ठीक है, तो यहां तक आपको याद रखना है। अब ये सारी चीजों को अगर हम लोग काउंट कर लें तो ये क्या बन जाती है, नेशनल इनकम। अब इसमें कौन सी चीज छूट गई है, कौन सी चीज जो है जिसमें आपको इनकम मिलती है, लोगों के पास पैसा आता है लेकिन सर ने यहाँ पर नहीं नोट किया है, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है पेंशन। पेंशन क्यों, क्योंकि पेंशन जो है उसके बिहाफ में कुछ आउटकम नहीं आ रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट वो दे रही है, इसलिए उसको नेशनल इनकम में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो अगर हमने इन सबको काउंट कर लिया तो दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। अब से पूछा जाएगा इनकम मेथड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो सैलरी, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, एनआरआईज की इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, याद रखना पब्लिक सेक्टर, लेकिन पेंशन जो है वो नहीं आती है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, नेशनल इनकम। लेकिन अगर इस जो हमारी टोटल इनकम आ रही है, इस जो टोटल इनकम हमारे पूरे इंडिया के लोगों की आ रही है, इसको अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, जिसको आप लोग एवरेज
ठीक है, ये एवरेज यही तो होता है, एवरेज इनकम भी बोलते हो, नॉट नेशनल इनकम। नेशनल में तो सबको काउंट कर लो, सबको ऐड कर दो, वो नेशनल इनकम होगी, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज इनकम, या इसी को हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कभी पूछेगा, तो इंडियंस की सभी इनकम को काउंट करने के बाद उसको टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में। ये थी हमारी नेशनल इनकम, लेकिन हमने पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया तो उसको हमने बोला पर कैपिटा इनकम। तो ये था हमारा दूसरा मेथड, जो कि हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सैलरीड पर्सन सैलरी से ज़्यादा घूस लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट, कोई बिजनेसमैन अपना एक्चुअल ITR पर प्रॉफिट दिखाता है क्या? कोई भी बिजनेसमैन नहीं दिखाई देता, रीजन टैक्सेस होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये जो है, जो दो मेजर सोर्स ऑफ इनकम थे वो एक्यूरेट नहीं होने की वजह से ये हमारे देश में एक्यूरेट नहीं होती है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर मैथड को देखने जा रहे हैं कि एक्सपेंडिचर मैथड क्या होता है, लास्ट मैथड है। एक्सपेंडिचर मतलब होता है व्यय, ठीक है, कितना पैसा खत्म हो रहा है। तो इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया, या बोल सकते हैं क्वेश्चन कभी इसके ऊपर बना ही नहीं है। तो मैं बस आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है। तो देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है, जिसका सबसे पहले जिक्र किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, लेकिन उसके बाद से ये इसको किसी ने गौर ही नहीं फरमाया उनके बाद से। तो एक्सपेंडिचर मेथड, अगर हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनी, सिर्फ कंपनीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है, मतलब गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज, ठीक है, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज कितना हमारा एक्सपेंड कर रही है, कितना पैसा खर्च कर रही है। हम एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कंपनीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसकी भी प्राइवेट कंपनी होगी, ठीक है, अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो या तो वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता होगा, या तो वो किस में काम कर रहा होगा, पब्लिक सेक्टर में। अब वो पैसा कितना खर्च कर रही है, वो सैलरी के रूप में हो, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हो, मतलब वो एक तरीके से लोगों को दे रही है ना, अगर वो किसी से रॉ मटेरियल में खर्चा कर रही है, मतलब वो किसी को दे रही है, किसी को पे कर रही है। तो जितना भी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज खर्च कर रही है, जितना भी प्राइवेट कंपनीज खर्च करेंगे एक्सपेंडिचर, अगर हम उन दोनों को टोटल कर दें तो हमारे देश की इनकम निकल आएगी कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोगों की इनकम बन रही है। अगर वो क्या बोल सकते हैं कि लैंड में खर्च कर रही है तो वो किसी का इनकम बन रहा है, अगर वो किसी को सैलरी दे रही है तो वो इनकम बन ही रहा है, जैसा आप लोगों को पता ही है, अगर वो रॉ मटेरियल खरीद रही है तो किसी का इनकम बन रहा है, अगर वो मशीन खरीद रही है तो किसी का इनकम बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने क्या कर लिया, हमने एक्सपेंडिचर को काउंट कर लिया, जो कि बहुत टफ काम है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज कहाँ कहाँ पर खर्चे करते हैं हमें खुद ही नहीं पता रहता है, तो ये बहुत टफ है। देखने में जितना ये आसान लग रहा है वो उतना ही टफ है, ठीक है। अगर देखा जाए तो सबसे ईजी डिफिनीशन इसी की आपको निकल के आ रही है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर की जितनी कंपनीज है उसका एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज है उसका एक्सपेंडिचर काउंट कर लो, तो उसको एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट के मामले में सबसे लोएस्ट लेवल पर ये है। लेकिन अगर हमने तीनों मेथड से, मतलब प्रोडक्शन मेथड से इनकम को काउंट किया, हमने एक्सपेंडिचर मेथड से इनकम को काउंट किया, और हमने इनकम मेथड से इनकम को काउंट किया, और वो तीनों बराबर आ गई, क्योंकि कहीं किसी कंट्री में आती नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं आइडियल नेशनल इनकम। यहाँ पर बिल्कुल करप्शन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हमारे देश में निकाला जाए तो ये आएगी कुछ, ये आएगी कुछ, और ये आएगी कुछ, अलग अलग आएंगे, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, और हम बोलेंगे कि हमारा जो कंट्री है यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो ये तो थी नेशनल इनकम, आई होप GDP, GNP, नेशनल इनकम, ठीक है, उसकी हिस्ट्री आपका बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन अब आपसे पूछा जाएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमी का दूसरा पार्ट। तो आई होप आपको सभी की सभी चीज़ें समझ में आई होगी, कहीं पर भी डाउट है तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हो, आई होप क्वेश्चन करिएगा, कहीं पर डाउट नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।